just want to inform the House, as the reply would be at 5:30, and we have around another 10 members to speak. So one can understand how much time one can give to respective members. No, there is a. It cannot be on. I cannot decide that. I cannot decide that. But what has been informed, that's what I am communicating to the House. There are certain members who will be speaking for the first time from their party. But still, this is the instruction which has come. I have communicated to you. Please be aware about the time constraint, and accordingly, if you conclude your speech, actually intelligent people speak for 3 minutes, and we are giving 5 minutes. Thank you. Mr. Osadi Nawasi. सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने 3 मिनट में बोलने वालों को इंटेलिजेंट कहा और ज़्यादा बोलने वालों को आप क्या कहेंगे आप बोल दीजिए चेयर पे तो अच्छा रहेगा नहीं मैं बोल देता हूँ अभी तो जो 3 मिनट में बोल देते हैं वो इंटेलिजेंट तो है ही और जो ज़्यादा बोलते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं उनका ज्ञान क्या बेवकूफ़ में होते हैं वो ज़्यादा का ज्ञान सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर मैं पहले ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में नहीं हूं मगर वतन अजीज का हूं और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूं भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूं सर मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोहतरमा वज़ीर साहिबा जब जवाब देंगे इसका जवाब मेरे सवाल का जवाब देंगे यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है बता दीजिए फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सर वो था 4.7 यूपीए के टाइम पर नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज इसका जिम्मेदार कौन है हाँ पाकिस्तान है सही कह रहे हैं आप मान लिया आपके अकल की तारीफ करता हूँ सर इन्फ्लेशन है यूपीए के हुकूमत में 8% था नरेंद्र मोदी की सरकार में 5% है मगर क्या ये बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें थी 2008 से 14 वो एक बैरल $100 के ऊपर बिकता था अब 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल $55 से $70 के दरमियान में था तो ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते ये आपकी मेहनत नहीं है इसमें एक्सटर्नल रीजंस है मेरा चौथा सवाल ये है सर कि आखिर आप अगर जीडीपी हमारा 5.9 एनडीए गवर्नमेंट का रहा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है आखिर 2011 से एम्प्लॉयमेंट सर्वे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराते डेटा को क्यों छुपाते हैं आप करवाइए सर्वे हाँ ला लीजिए एनएसएसओ का ला के दे दीजिए ये पीएलएफ हुआ था 2018 में उसके बाद अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ला लीजिए तो कम से कम एनएसओ को बोलकर ये सर्वे करवा दीजिए अच्छा कंजम्पशन सर्वे 2017 से रुका हुआ है सर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद आ जाता आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत वहाँ पर नहीं है मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ सर दूसरी बात मेरा चौथा सवाल यह है कि 2005 में डॉलर था 43 रुपीस 43 रुपये 2014 में हुआ 83 रुपये अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूँ इकोनॉमी में मेरा मोटा मोटा सवाल है अब डॉलर है 83 रुपये ये कौन जिम्मेदार है इसका सर 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है इसका जिम्मेदार कौन है इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी अच्छा सर आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बोलते हैं 2011 में बिल्कुल सही है $294 बिलियन था 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया अब मैं वाइट पेपर आप पढ़ेंगे न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई नंबर क्या है भाई नंबर तो बता दीजिए
न्यूज चैनल ओपन बिहार में नंबर ही नहीं मालूम होता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉकेट, ठीक है 2005 में 69% था, 2014 में 64.2 हो गया, तो आपका नंबर क्या है बताइए ना, आपके आपके दौर में क्या नंबर है, वो नंबर नहीं बताया, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, नंबर क्या है खर्चे का। तो ये जो व्हाइट पेपर है, एटलीस्ट 2020 का डेटा दे दो आप, ये व्हाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस। डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे, वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका, मगर बर्बाद हो गए। सर मैं कंक्लूजन में, क्योंकि आपने अकलमंद कहा है मुझे कम टाइम में बोलने वालों को, तो मैं सरकार से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि एक वाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में अखलाक के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। सर मैं खत्म कर रहा हूं, सर खत्म कर रहा हूं, और साथ ही साथ आप एक वाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है या नहीं है, डेपसांग डेमचॉक हमारे पास है या नहीं है। और आखिर में यूपीए के वक्त में माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बंद कर दिया, मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, मौलाना आजाद फेलोशिप आपने बंद कर दिया, फाउंडेशन तो 9th, 10th, 12th माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते थे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने 9th क्लास से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हो गया ये। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, तो मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दिया, ये क्यों किया आपने भाई, हद तो ये होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, अब तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, अजीब है मामला। अब आप देख लीजिए, तो ये बातें हैं सर। और फिर सर ये व्हाइट पेपर में आप देखिए सर, ये व्हाइट पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिक्र है मिस्टर शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य साहब जो है, मिस्टर शंकराचार्य ना रेटरिक पर रेटरिक लिख रहे आप, उसका तोते की तरह लिख दिए उसको, ना नंबर भी देते वो। तो ये जो व्हाइट पेपर है सर, ये मोरेटरी सब्सटेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक देश के प्रधानमंत्री वो व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसलमानों का आपने मार्जिनलाइज कर दिया, बुलडोजर से घर तोड़े गए, कितनों को एनकाउंटर हुआ, कितने जेल में है यूएपीए में, और चीन कितनी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री के राममोहन नायडू। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट of the release of white paper by the central government, sir. And it is very important for us to know our history also in terms of how the